सुंदर, सुल्तान भाई को बोलना आज का शेड्यूल बहुत टाइट है, थोड़ा फास्ट करें काम। हेलो, अरे सुमन जी आप आइए। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। कुंदन जरा मैम के लिए चाय बोलो ना। सुमन जी सोना ने बताया था आज वो लेट आने वाली है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। ओह बोलिए। साल खत्म हो रहा है तो नए साल का नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना। आप तो बहुत खुश हो गई होंगी, उस रेन डांस की वजह से आपके शो की TRP तो डबल हो गई। इसका मतलब है कि सोना के पैसे भी बढ़ने चाहिए, 20% ज्यादा होना चाहिए, इतना तो बनता है। क्या हुआ, आप मेरी बात सुन रही है ना? हाँ सुमन जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, पैसे बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी ये बात सोना के साथ हो तो बेहतर है। उसकी आप फिक्र मत करो, मैं मिली थी उससे, बहुत इमोशनल हो गई थी, कह रही थी आगे भी काम मैं ही संभालू। अरे वो तो ये भी कह रही थी कि मैं उसको इस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं करूं। आप मुझे इतना बता दो कि नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी कब तक होगा? सुमन जी फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट की बात सोना के सामने हो तो बेहतर है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या बात है नेत्रा जी, कुछ है तो बताइए ना मुझे। जी नेत्रा जी, माँ वहाँ आई है? नहीं नहीं आप रुकिए, मैं आती हूँ। मम्मा। हाँ मम्मा। रोहित। मम्मा मम्मा आपने रोहित को फोन क्यों किया? पहले हम लोग आपस में तो बात कर लें, आप फोन कट करो प्लीज। रोहित तुम्हारा पति है, उसे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। हेलो मम्मा, क्या हो क्या रहा है? हेलो रोहित, तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ छोड़कर अभी कभी यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। क्या कर रही है, क्या किया सोना ने? मम्मा प्लीज। माँ आपने ये ठीक नहीं किया, आपको रोहित को फोन नहीं करना चाहिए था। मम्मा इसको इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए था, ये मेरा मामला है, मेरा डिसीजन है ये। व्हाट? बट क्यों सोना, व्हाई? रोहित तुम, रोहित मैं भी वही बोल रही हूँ, पूछो इससे, काम छोड़ने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है तूने? ना किसी से बात की, ना सोचे समझे, इतना बड़ा फैसला। मम्मा कहानी पार्वती की सिर्फ शो नहीं है, पहचान है इसकी। किससे पूछा इसने? ना तुमसे ना मुझसे इसने बात करनी भी जरूरी नहीं समझी। मम्मा इतने सालों का शो है ये, इतना प्यार कैसे छोड़ सकती हो तुम? मम्मा प्लीज बस करो, आपको रोहित को बताना था, आपने उसे बता दिया, बात खत्म हो गई। आई एम सॉरी मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन एक के बाद एक इतनी चीजें होती रही कि मुझे मौका ही नहीं मिला। फाइन, पर जरूरत क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? मैं भी वही पूछ रही हूं, क्या जरूरत है? क्योंकि मैं थक चुकी, आराम करना चाहती हूँ, ब्रेक चाहिए मुझे। मैं कब से कितने सालों से नॉन स्टॉप काम कर रही, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ समय ब्रेक ले लेती हूँ। शूटिंग के बाद डबिंग, प्रमोशंस, अब नहीं करना मुझे, ब्रेक चाहिए बस, आराम करना है मुझे, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, इसीलिए बस, दैट्स इट। आराम करना है तो छुट्टी ले लेना, नेत्रा जी से कहकर अपना ट्रैक थोड़े दिनों के लिए हटवा दे। वैसे भी उन्होंने तेरा फैसला एक्सेप्ट नहीं किया है सोना, अपना रेजिग्नेशन वापस ले ले। काम क्यों छोड़ रही है तू? मां मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ये मेरा सलूशन है, और वैसे भी मैंने इतने सालों काम करके इतनी सेविंग्स तो हम लोगों ने कर ही ली है ना, कि परी पुलकी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप भी सुकून से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? मम्मा माँ खराब हो गया इस लड़की का, रोहित समझाओ इसे, कोई मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए अपना काम कैसे छोड़ सकता है? मैं समझाता हूँ, आप हाइपर मत हो, मैं नहीं चाहता हूँ आपका BP फ्लक्चुएट कर, ठीक है? जस्ट काम डाउन, आप रेस्ट करो, मैं बात करता हूँ सोना से, इजी। बात करनी चाहिए हमें, अगर तुम करना चाहो तो। हाँ obviously मुझे भी बात करनी है। तो रोको गाड़ी कहीं पे। यू नो सोना, मैं ऐसा समझता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूं,
But obviously I was wrong. आज जो तुमने मम्मा को बहाना रीजन चलो जो रीजन दिया अपना शो छोड़ने का कि तुम थक गई हो ब्रेक लेना चाहती हो मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहती हो रियली ये तो मैं भी जानता हूं कि ये सच नहीं है तुम वो एक्ट्रेस हो जो अपने काम को पूरी तरह एंजॉय करती है पूछती है अपने काम को वो सोनाक्षी रस्तोगी जो अपने शो को बचाने के लिए अपनी ही शादी के मंडप में ऑलमोस्ट किसी और को बिठा गई थी सो यू नो सोना मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी लाइफ का हर डिसीजन मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए स्पेशली काम का इट्स योर डिसीजन लेकिन मैं हस्बैंड हूं तुम्हारा यार दोस्त है हम एक बार तो बात कर सकती थी ना आई एम वेरी सॉरी रोहित मैं सच में तुमसे बात करना चाहती थी बट यू नो पिछले दिनों हमारे घर पे इतना सब कुछ हो रहा है कि मुझे मौका ही नहीं मिला फाइन आई एग्री अब मौका है करो बात बोलो मेरे काम का असर मेरी फैमिली पर बुरा रोहित रोहित मैं एक एक्ट्रेस हूँ यू नो हमेशा पब्लिक आई में रहती हूँ मैं और मेरे फैंस मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं एवरीथिंग मैं क्या खाती हूँ कैसे रहती हूँ क्या करती हूँ शॉपिंग कहाँ से करती हूँ सब कुछ क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो उनका हक है मुझ पर देखा जाए तो वो अपनी जगह पे गलत भी नहीं है पहले मुझे ये सब खराब नहीं लगता था आई मीन खराब आज भी नहीं लगता लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी प्राइवेट स्पेस चाहिए मुझे जिंदगी में जिसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो यू नो जिंदगी के कई ऐसे लम्हे होते हैं जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती लेकिन अब जैसे उस दिन संगीत की रात पापा को फोर्स किया जा रहा था कि वो पूरी मीडिया से माफी मांगे क्यों मेरी वजह से वो नरेश भी समझता क्या है खुद को मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला हमारी शादी पूरी भी नहीं हुई थी रोहितन उस महेश ने रोहन पर गोली चला दी मेरी वजह से पूजा के अडॉप्शन की न्यूज बाहर इस तरह से सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि पूजा मेरी ननद ट्रस्ट मी मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है प्लीज तुमने अगर कहा ही नहीं तो रिपोर्ट छाप कैसे सकती है ये सब यहाँ तक कि वाईके और निशिबुआ की एनिवर्सरी की पार्टी भी सिर्फ मेरी वजह से खराब हुई है सोनाक्षी आपके दोस्त की बहू है एक्ट्रेस है वो उसकी नहीं तो कम से कम अपने दोस्त की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था आपको अरे जो सच है वही तो कहा इतना बुरा लगता है तो पहले ही अपनी बेटी से कोई रिस्पेक्टेबल काम करवा लेते रोहित ये मेरा काम है ये मेरा प्रोफेशन कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर मेरी वजह से इसका असर मेरे परिवार पर हो रहा है तो मैं शांति से कैसे रह सकती हूँ